नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं आपके साथ किरण राय। पिछले दिनों हमने एक एपिसोड दिखाया था या हमने अपनी बात रखी थी नो स्कूल नो फी को लेकर। हमारे पास कई मेल्स आए जिनकी कई लोगों की कई क्वेरीज थी और आज हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करें, अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। नो स्कूल नो फी का ये एक जो मुहिम है, ये आखिर है क्या और क्यों है। इसके लिए आज मेरे साथ हैं प्रवीण कुमार जी। प्रवीण एक पत्रकार भी हैं और इसके साथ ही अभिभावक भी हैं, तो इनकी दोहरी जिम्मेदारी है। उस दोहरी जिम्मेदारी को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहला आपसे सवाल और अहम सवाल ये है कि ये जो नो स्कूल नो फी का एक ये मुहिम है या एक ये मांग है, क्या ये फिजिबल है? क्यों नहीं फिजिबल हो सकता है। दरअसल जो ये पूरा मसला है वो पब्लिक स्कूलों का है, और पब्लिक स्कूलों में भी ये नहीं है कि छोटे मोटे गांव में भी पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं, तो उस पब्लिक स्कूल को लेके नहीं है। ये पब्लिक स्कूल जो है ये दिल्ली NCR में या बड़े महानगरों में इन स्कूलों को लेके है, और अभी तक तो हम लोग फीस दे ही रहे थे ना, तो अभी कोई बिल्कुल संकट नहीं था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब ये कोरोना संकट आया है और कोरोना में लोगों की सैलरी कट हो रही है, पीछे से सैलरी लोगों को नहीं आ पा रही है, तो फिर हम आगे जो हमें बच्चों की फीस देनी है, जब ये संकट आया तब जाके ये मुहिम शुरू हुई है और दिक्कतें पैदा हुई इशू हैं। जो मैनेजमेंट की तरफ से या स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है वो स्टाफ की सैलरी, टीचर्स की सैलरी, इन सब चीजों को लेकर कहा जा रहा है, हाँ, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि स्कूल के खर्चे तो हैं ना, ठीक है, वो बसें नहीं चल रही हैं उनकी, तो बसों का वो पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन टीचर्स ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं या टीचर्स की तनख्वाह जानी है, उनके काम वाले जो होते हैं, काम वालियाँ होती हैं, तो वो उनकी तनख्वाह जानी है, एडमिन स्टाफ की तनख्वाह जानी है, तो उसको उनके खर्चे हैं, लेकिन इतना खर्चा नहीं है कि बिल्कुल अभिभावक के पैसे आएंगे तभी जा पाएंगे। ठीक है, अगर आप मोटा मोटी स्कूल का हिसाब किताब लीजिए, तो एक स्कूल जिस समय स्कूल बनाई जाती है, खड़ी होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है, तो एक इन्वेस्टमेंट, मोटा इन्वेस्टमेंट होता है इन बड़े पब्लिक स्कूलों को, लेकिन उनको रियायती कीमत पर जमीन भी दी जाती है और बाकी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट जाता है, साल दो साल जब स्कूल चलता है, तो आप नॉर्मली देखिएगा कि एक बड़े स्कूल का मैं बता रहा हूँ, ये जैसे अर्थशास्त्र आप एक तरह से बता रहे, हाँ, अर्थतंत्र जो है तो ये। उनका क्या होता है कि एक मतलब ठीक ठाक सा स्कूल, जिन स्कूलों की बात मतलब अभियान हम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं जिन स्कूलों को लेके, तो उस स्कूल की बात करें तो कम से कम एक स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड हो, एवरेज अगर देखेंगे तो 10,000 के आसपास का फीस होता है, और दस बिल्कुल हजार पर मंथ बिल्कुल एक स्कूल में। अगर 2,500 से 3,000 स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े स्कूल होते हैं उनका स्टैंडर्ड है कि 2,500 से 3,000 स्टूडेंट होते हैं, तो आप अगर 10,000 को 3,000 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नॉर्मली 2.5 से 3 करोड़ बैठेगा। बिल्कुल ठीक है, पर मंथ का हिसाब है ये। हाँ जी 2.5 से 3 करोड़ में उनके खर्चे बहुत, अगर बढ़िया से बहुत मतलब अच्छी सैलरी पर वो टीचर्स को देते होंगे और भी स्टाफ को देते होंगे, तो तब भी उनको 1.5 करोड़ रुपया मान लीजिए खर्चा हो जाता है, 1 करोड़ पर मंथ बचत है, 1 से 1.5 करोड़ मुनाफा। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मोटा ये हम इन्वेस्टमेंट एक किया, एवरेज एक निकाल हाँ, सकते हैं, नॉर्मली हो यही सकता मतलब है ऐसा, इसमें पॉसिबिलिटी 10-15 हजार ऊपर या नीचे हो ऊपर नीचे सकता कर है। सकते हैं। तो ये 1 करोड़ मान लीजिए कि अगर इनकम है पर मंथ, तो उसमें स्कूल का कंटीजेंसी फंड भी होता होगा, हाँ अगर बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल तो ये क्राइम है, अगर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कोरोना का संकट है, विश्वव्यापी संकट है, तो इस परिस्थिति में इनको ढाई मतलब 1 क्वार्टर, कम से कम 1 क्वार्टर में इनको कुछ रियायत देनी चाहिए, उसमें जैसे कंपोजिट फी की बात भी उठ रही है कि हाँ। सवाल ये भी आया है हमारे पास कि ये स्कूल जो हैं क्या कर रहे हैं कि अब इन्होंने एक नई तरह से एक तरीका निकाला है मैनेजमेंट ने कि कॉम्पोजिट फी जो का ब्रेकअप जो था पहले, अगर पिछले सालों में देखें 17, 18, 18 वगैरह में, तो उसमें कॉम्पोजिट फी और ट्यूशन फी, कॉम्पोजिट फी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ट्यूशन फी था, और ट्यूशन फी काफ़ी हेफ्टी अमाउंट है, 8.5, 9 हज़ार। तो हो सकता है कल को वो कॉम्पोजिट फी को ट्यूशन फी लिख के, जैसा हो रहा है अभी ऐसे कई स्कूल कर रहे हैं, ट्यूशन फी लिख के और वही फी दे दे रहे हैं, तो आपके लिए तो वो ट्यूशन फी है,
पे करिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसी बात को कह रहा था कि अगर मतलब इतना इनकम है स्कूलों में, तो एक क्वार्टर के लिए आप ये कह देते स्कूल वाले कि ठीक है, हम ट्यूशन फी सिर्फ पर बात करते हैं और ट्यूशन फी में 50-50 कर लेते हैं। अच्छा, ये आप इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे लोगों की सैलरी कट हो हाँ रही है हाँ उसको हाँ अगर ध्यान में भाई रखा जाए। आज तक तो हम दे ही रहे थे ना, बिल्कुल आज तक तो सारे पेरेंट्स दे ही रहे थे और कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं थी। यही मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, यही लोग जाता है इन स्कूलों में अच्छे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। यही अपराध है शायद हाँ हमारा। शायद हो सकता है, लेकिन लेकिन करे तो क्या करे, सरकारी स्कूलों में उसी व्यवस्था है नहीं अभी तक। बिल्कुल तो अच्छे स्कूल की तलाश में जाता है आदमी, अपने पेट काट के जैसे भी करना हो उसमें से काट के और फी पे करता है। तो इस लिहाज से स्कूलों को ये चाहिए था कि 50-50 करके ट्यूशन फी पे 50-50 कर लेते, और मतलब एक क्वार्टर के लिए कर लेते। मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को भी आपत्ति नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी एक चीज बात, ये हमने मैनेजमेंट की बात कर ली, हमने स्कूल पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें सत्ता का क्या योगदान है? इसमें हम जो हमारे गवर्नमेंट है वो उसका क्या योगदान होना चाहिए? नहीं, इसको सरकार को इसमें देखना चाहिए, सरकार को स्कूलों से भी बात करनी चाहिए थी, और सरकार को एक एक पेरेंट से बात करना तो संभव नहीं है सरकार के लिए। पेरेंट एसोसिएशन नाम की कोई संस्था होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, स्टेट लेवल पर भी है, सेंटर लेवल पर भी है, तो अलग अलग हैं। तो सरकार को जैसी सुविधा होती तो वो स्कूलों से बात करते, सीबीएसई से बात करते जो एक बॉडी होती है स्कूलों की, और पेरेंट एसोसिएशन से बात करते। तो इसमें फीस का मतलब, एक तो शायद सरकार ने कुछ किया भी है कि लास्ट ईयर से वो कंपैरेटिवली हाइक जो करके दे रहे थे हाँ, तो उस वो पे कंट्रोल किया हाँ है। हाँ तो यूपी की अगर हम बात करें तो हाँ यूपी हाँ गवर्नमेंट ने ही किया है, बाकी हम दिल्ली विल्ली में देख ही रहे हैं, दिल्ली हरियाणा में सरकार आगे आके बोल रही है कि ट्यूशन फी है ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो अभी तक हमें सत्ता की तरफ से जो दिखना चाहिए, जो हमें रूलिंग पार्टी की तरफ से दिखना चाहिए, वो उसमें कहाँ कमी रहती है? नहीं, ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बातचीत का जो है ना अच्छा, वो रास्ता, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं है ओपन। बातचीत होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी हाँ, होनी चाहिए कि और आदान सरकार प्रदान सरकार होना कितना मतलब बच्चों की शिक्षा ठीक से चलती रहे चाहिए। इसको लेके सरकार उतनी जागरूक नहीं है जितनी होनी चाहिए। सिंसियर भी नहीं हाँ है हाँ कि अगर। स्कूल कैसे, भाई बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, स्कूल को चाहिए था कि जैसे बच्चों को छोड़ने बिल्कुल आते हैं या लेने आते हैं तो बिल्कुल, उसी ये तरीके से हाँ ये सरकार को ये डायरेक्टिव स्कूल को देने हाँ चाहिए। परमिशन ले लेते बिल्कुल मतलब, बिल्कुल और डीएम से परमिशन लेके और उसको बिल्कुल जाके वो कर सकते थे, लेकिन ये मतलब नहीं हो पाया है अभी तक। किताबें बच्चों के पास नहीं है, ऑनलाइन क्लासें होती हैं, ऑनलाइन की अपनी डिमेरिट्स हाँ। हैं। हम आगे के अपने हाँ एपिसोड्स में, मैं अपने जो भी देखने वाले हैं सत्ता विमर्श के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और देखने वाले हैं, उनसे ये कहूंगी कि आगे के हमारे एपिसोड्स में हम इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। हम बच्चों की सोशियो साइकोलॉजिकल जो एक डिसऑर्डर्स लैंग्वेज में हम कहें डॉक्टर्स की, तो वो कह रहे हैं ऐसी कुछ स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। हम कुछ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों से भी बात करेंगे कि कितना ये फ्रूटफुल है ये जो इस तरह की क्लासेस चल रही हैं, इस पर भी। तो ये हमारे आगे की सीरीज में ये सारी बातें होंगी। प्रवीण जी, आपने एज एन अभिभावक और एज अ पत्रकार हमारे साथ कुछ बातें साझा की, और अपेक्षा करती हूँ कि बात क्योंकि निकलती है तो फिर आगे बढ़ती है और कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता है। और थैंक्स अ लॉट कि आपने सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस चीज़ को हमारे साथ साझा किया। मेरा आप सबसे एक बार फिर आग्रह है कि आपके पास अगर कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे मेल आईडी sattavimarsh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे बॉक्स है, उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके वो सवाल कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक सत्ता विमर्श सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।